unintended effect of people in the party mistaking what I said and going down another path which I deeply regret. यानी इमरान खान आके कहे कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ लेकिन मेरा ये intention नहीं. I am staying away from the party and politics for some time. Shah Mahmood Qureshi will leave the party and I am sure he will bring the party back to its true mission. वो true mission क्या है वो GSQ को पता है. Khan will then step aside from politics, in which case he will be allowed to travel abroad and join his ex-wife Jemima Khan. I'm sorry. I'm sorry. देखिए जो GSQ के थिंकर्स हैं ये कहना साहब लेकिन इस हाई टाइम के GSQ को रियलाइज करना चाहिए कि दुनिया को वो नहीं चला सकते और दुनिया के मामला जो है ना वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है फ्रॉम द सिंपलिस्टिक वर्ल्ड व्यू ऑफ द कर्नल साहिबान जिनकी ड्यूटी कातिबों के तौर पर लगाई गई है ये सारी नोट डेवलप करने के लिए. बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को मारपीट के तरह करवा रहे हैं. आप किसी का मन का तोड़ दें उल्टा लटका दें नंगा कर दें उसको कुछ भी कर दें आप उसको सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें उनको कहें बच्चे तुम्हारे उठा के ले जाएंगे तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे तुम्हारी नंगी पोर्नोग्राफिक की वीडियो निकाल लेंगे. आप एक एक्स वाइफ को कैसे मजबूत कर सकते हैं एक आदमी जो है जिसके साथ वो नहीं रहती है पिछले 20 साल से जिसके हो सकता है उसके बाद कुछ और भी रिलेशनशिप हो मतलब बेचारा ट्रू उसकी अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी है. इट्स ओनली फ्रॉम द माइंड ऑफ अ कर्नल साहब. आई मीन ऑनेस्टली आई वुड रियली रियली रिक्वेस्ट द DGISPR एंड ऑल द पीपल. मैं ऑनेस्टली मतलब मेरी आपसे बड़ी हमदली एक रिक्वेस्ट है कि फलारा अपना वो मजाक न उड़ाएं दुनिया के सामने. ये एक पाकिस्तानी कौम अब सिर्फ आपकी ज्योग्राफिकल कंट्रोल में नहीं रहती. ये पाकिस्तानी कौम असर हाजिर के अंदर मॉडर्न वक्त के तकाजे हैं. दिस इज 21st सेंचुरी. पाकिस्तानी कौम दुनिया भर में फैली हुई है. वो कनाडा में है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है वो बरतानिया में है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है वो लातिन अमरीका में है वो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है वो मिडिल ईस्ट में फैली हुई है. वो दुनिया में देखते हैं कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो फैले हुए हैं. किस किस्म की बातें आप लिख लिख के उसको बना रहे हैं डिमांड के तौर पर. मतलब डू यू एक्सपेक्ट इमरान खान अब जमैम अगर लंदन चला जाएगा तो इधर और ही रहेगा. अच्छा लंदन चला भी जाता है क्या वो जमैमा के साथ जाके रह सकता है. मतलब वो गॉड से खुदा ना खास्ता कुछ तो अपने दिमाग का इलाज करवाए किसी बाहर. ये जिन कर्नल साहब से ये नोट लिखवाया है बुनियादी तौर पर जिसको ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट से फैला रहे हैं बेसिकली वो कर्नल साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर सिर्फ टूरिस्ट के तौर पे गए होंगे. वो यहाँ हो सकता है कभी आए हों एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखने के लिए एफिल टावर उन्होंने देखा होगा या तस्वीरें देखी होंगी कुछ इंग्लिश की फिल्में उन्होंने देखी होंगी. उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है कि मॉडर्न वर्ल्ड कितना एग्जिस्ट करती है. हाउ कैन इमरान खान एनी मैन जिसकी एक्स वाइफ है मतलब एक्स वाइफ क्या मतलब है वो ट्वीट अगर कर देती है तो इसका ये मतलब है कि इमरान खान बोल गया मिस्टर आके जो हमारे पास चाहती है कि मैं आ गया हूँ मुझे पाकिस्तान की फौज ने कहा कि जब तक हालात ठीक नहीं होते मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा. मतलब गॉड से कर्नल साहब तो गॉड से मेहरबानी करेंगे थोड़ी अपने आप से क्यों अपना मजाक उड़ा रहे हैं.